अब आतंकियों के निशाने पर जम्मू रीजन आखिर क्यों है यह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राउंड कंडीशन बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर घाटी नहीं बल्कि शांत जम्मू रीजन है। जम्मू रीजन जहां से आतंकियों का दशकों पहले सफाया हो चुका था, वहां आतंकी अब फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दहशतगर्दों ने न केवल जगह के लिहाज से अपना टारगेट बदला बल्कि दहशत फैलाने, लोगों की जान लेने के तरीके भी बदल लिए। आतंकी पीठ पीछे से हमला करते हैं और फिर अचानक जंगल में गायब हो जाते हैं। घने जंगलों में छुप जाना ताकि सुरक्षा बलों की गोलियों से बचा जा सके, लेकिन सुरक्षा बलों से ज्यादा अब इनके निशाने पर निहत्थी आम जनता, धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालु हैं। यानी आतंकियों की नई साजिश नई रणनीति के साथ। लेकिन चाहे कश्मीर घाटी हो या जम्मू रीजन, आतंकी आखिर कब तक अपनी खैर मनाएंगे? भारतीय सेना ने भी जम्मू क्षेत्र के लिहाज से अपनी रणनीति में बदलाव किया है। जम्मू में भारतीय सेना की एक्टिवनेस से आतंकियों में जबरदस्त खौफ है। इन्हें हर वक्त मुठभेड़ होने का डर सताता रहता है। दरअसल जम्मू के इलाके में जैश के आतंकी एक्टिव हैं और ये ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। जैश का पैटर्न शुरू से ही फिदायीन हमलों का रहा है। यानी जो आतंकी हमले को अंजाम देने आता है वो वापस जाने के मकसद से नहीं आता था, लेकिन अब फिर पैटर्न बदला है, तरीका बदला है इन आतंकियों ने। यानी लेकिन अब जो आतंकी आ रहे हैं वो फिदायीन नहीं बल्कि मार कर भागने के मकसद से भारत में पहुंचते हैं और वही करते भी हैं, वो छुप जाते हैं जंगलों में जाकर। अगर अब हम पिछले करीब ढाई महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 जुलाई को डोडा में हुए हमले में भारतीय सेना के एक अफसर सहित कुल 4 जवान शहीद हो चुके हैं। इससे पहले 9 जुलाई को कठुआ में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था इन आतंकियों ने, जिसमें 5 सैनिक शहीद हो गए थे। और इसके अलावा 4 मई को भारतीय वायुसेना के ट्रक पर हमला कर आतंकी भाग खड़े हुए थे, जिसमें एक वायु सैनिक भी शहीद हुआ था। कुल मिलाकर अगर ढाई महीने में अभी तक बात करें तो 13 सुरक्षा बल भारतीय सुरक्षा बलों के शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ भारतीय सेना अब अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP में बदलाव करेगी। यानी जैसे कश्मीर घाटी में किसी भी काफिले के मूवमेंट से पहले रोड ओपनिंग पार्टी यानी कि ROP चलती है, उसी तरह जम्मू में भी किसी मूवमेंट से पहले पूरे रूट को सैनिटाइज किया जाएगा, यानी हमलों की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी। अब यह भी समझ लीजिए आप कि आतंकियों ने आखिर जम्मू कश्मीर रीजन को चुना क्यों। दरअसल जम्मू का इलाका बहुत बड़ा है, बहुत सारे जंगल हैं, या इलाका घने जंगलों और ऊंची चोटियों वाली पहाड़ियों से पूरा इलाका घिरा हुआ है और इसी का फायदा जो उठाते भी हैं। पहाड़ियों पर ऊंचाई पर छिपकर आतंकी सेना की मूवमेंट पर नजर रखते हैं और मौका लगते ही छुपकर जवानों पर हमला करते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो जम्मू आखिर आतंकियों के निशाने पर क्यों है? दरअसल घाटी में आतंकियों के निशाने पर सेना होती थी, लेकिन जम्मू में आतंकियों ने सॉफ्ट टारगेट तलाश लिए, यानी आम जनता और श्रद्धालु। इसमें हिंदू एंगल भी है, यानी आतंकियों के निशाने पर धर्म विशेष के लोग भी हैं। समझिए कैसे। पहला ये कि जम्मू में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। दूसरा, जम्मू रीजन में बड़े हिंदू धार्मिक स्थल भी हैं और इसी वजह से बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के जो धार्मिक पर्यटक हैं वो यहाँ पर पूरे देश भर से पहुंचते हैं। और जब हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जाता है तो देश भर में चर्चा बाकी ऐसे आतंकी हमलों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। विश्व पटल पर भी वो चर्चाओं में आ जाते हैं और मकसद, अगर कहें कि उनका मकसद लोगों के दिलों में दहशत बनाना, आतंकियों की दहशत बनाना, वो पूरा होता है। अमूमन घाटी का अगर हम फिर जिक्र करें, घाटी में जवान निशाने पर होते थे, लोकल जो घाटी के नागरिक थे उन्हें कम निशाना बनाते थे आतंकी, बहुत रेयर। अगर उन्हें लगे कि कोई उनकी मुखबिरी कर रहा है, उनकी खबर सेना को दे रहा है, तब हो सकता है वो निशाने पर आ जाए। बल्कि अमूमन होता ऐसा था कि स्थानीय में बड़ी संख्या आतंकियों का सपोर्ट भी करते थे, इसलिए स्थानीय स्तर पर घाटी में आतंकी आम जनता को निशाना बहुत कम प्रेयर बनाते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में या फिर जम्मू रीजन में जो तरीका आतंकी अपना रहे हैं वो बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है, और उनकी रणनीति इससे बहुत हद तक साफ भी हो रही है। यानी निशाने पर एक जाति समुदाय या कहें कि धर्म विशेष के लोग हैं और इसका मकसद केवल जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश भर में बहुत जबरदस्त चर्चाएं चाहते हैं आतंकी।
पाकिस्तान को उसी के पाले पोसे आतंकवादी अब खून से लाल कर रहे हैं। हमला करने वाले आतंकी ना तो स्कूल देखते हैं और ना ही अस्पताल, और सैन्य ठिकाने तो उनकी हिट लिस्ट में है। पाकिस्तान को आतंक का ये नाग आए दिन डसता है और पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि वो मुंह खोलेगा तो सच पूरी दुनिया को पता चलेगा। पाकिस्तान में ये सब कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये दिखाने से पहले आपको तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। अभी कुछ ही वक्त हुआ जब टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ओर से ये वीडियो जारी किया गया था। गौर से देखिए सुरक्षा बलों के काफिले पर कैसे निशाना लगा रहे हैं टीटीपी के आतंकी। जंगल के इलाके में शूट किए गए इस वीडियो में बताया गया है कि टीटीपी की मंशा क्या है। टीटीपी को पता है कि जंगल के इस इलाके में पाक सुरक्षा बलों की गश्त होने वाली है, इसलिए पहले से ही आतंकी गड्ढों में अपनी पोजीशन लिए बैठे हैं। जैसे ही काफिले की पहली गाड़ी पार होती है, आतंकी ऑटोमेटिक हथियारों से हमला शुरू कर देते हैं। पहली गाड़ी के गुजरते ही दूसरी गाड़ी भी आतंकियों की रेंज में आ जाती है और आतंकियों ने दूसरी गाड़ी पर भी हमला कर दिया। ये वही टीटीपी है जिसने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। लेकिन असिम मुनीर टीटीपी के इस इशारे को नहीं समझ पाए और एक बार फिर आतंकी पाकिस्तान में खून खराबा करने में कामयाब हो गए। अब देखिए कि पाकिस्तान के किस हिस्से को आतंकियों ने निशाना बनाया। और जब दोनों ओर से बंदूकें खामोश हुई तो हर तरफ तबाही के निशान थे। जमीन पर पड़े हुए आतंकियों और पाक आर्मी के जवानों के क्षत विक्षत शव पड़े हुए थे। पाक सेना के अफसर उन्हें आखिरी विदाई भी देने पहुंचे। पाकिस्तानी सेना ने इस आतंकवादी हमले के दौरान जो सैनिक मारे गए उनकी तस्वीरें भी जारी की। नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन खान, सिपाही शोभन मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और लांस नायक सब्ज अल। इस आतंकी हमले में पाकिस्तान के 8 जवानों की मौत हुई है। हमले के एक दिन तक पाकिस्तानी सेना ने चुप्पी साधे रखी, फिर एक दिन बाद पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने कहा कि आतंकवादियों ने 15 जुलाई की सुबह बन्नू छावनी पर हमला किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके परिसर में घुसने के प्रयास को विफल कर दिया। परिसर में घुसने में विफल हो जाने के बाद आतंकियों ने विस्फोटक से लदे वाहन को छावनी परिसर की बाहरी दीवार में घुसा दिया।